हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी एयरप्लेन टेक्नीशियन ग्रेड टू एंड इसरो टेक्नीशियन बी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। वो पिछले 5 वर्षों में किसी भी एग्जाम में, चाहे वो DMRC का हो या आपका LMRC का हो या DRDO हो या इसरो हो, जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं डिस्कस करा रहा हूँ। वो आपके यूपी एयरप्लेन में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन का मैं डिस्कस करा रहा हूँ, वो भी विद डिटेल, ठीक है। तो इसी क्रम में दोस्तों आज मेरा 29 पार्ट है। यदि आप हमारे 28 पार्ट तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके, आप वहाँ पे UPRVNL एंड इसरो के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, जो कि उसमें आपको 28 पार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में दोस्तों यदि आज कोई हमारे नया यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट आता हूँ मैं क्वेश्चन पे। इसके पहले दोस्तों जैसे कि मैं EDC का पार्ट खत्म कर चुका हूँ, अब मेरा डिजिटल का पार्ट चल रहा है। डिजिटल का जस्ट बाद जैसे आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर शुरू करेंगे, ठीक है। तो भाई डिजिटल को खत्म करने में भी एक आध दो क्लास और लगेंगे तो डिजिटल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी क्रम देखते हैं आज डिजिटल का पहला क्वेश्चन है हमारा क्या। दी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 45.25 इज, ठीक है, 44.25 को दिया हुआ है हमारा डेसिमल में है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके पहले भी हमने बताया था कि अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, तो उसी के तरीके को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था कि अगर बाइनरी को कन्वर्ट करना है डायरेक्ट आपको लिखना है क्या, 1, 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। इसके अलावा आगे आप बढ़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 64, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमको ओनली 45 लेना है, ठीक है। तो इसी को ऐड करने से हमारा 45 मिल जाएगा। कौन सा ऐड करते हैं, अगर 32 में 8 जोड़ते हैं 40 हो जाता है, ठीक है, 32, 8, 40, 44, 45। जो ऐड करने से हमारा 45 मिलता है उसको हम हाई कर देते हैं, बाकी सबको जीरो कर देते हैं। इसको हमने जीरो कर दिया, इसको हमने जीरो कर दिया, तो हमारे पास जो बाइनरी नंबर मिल गया कितना मिल गया, 101101, ये हमारा 45 का बाइनरी नंबर मिल गया, ठीक है। इसके बाद हमारा है 0.25। तो हमने 0.25 के लिए बताया था कि 0.25 हमको लेना है। तो हम जानते हैं कि एक अंक जाते हैं तो हमको 0.5 मिलता है, दूसरा अंक जाते हैं 0.25 मिलता है। तो हमको जो ऐड करने से 1 मिलता है उसको रख लेते हैं, बाकी को जीरो कर देते हैं। इसको 1 कर देंगे, इसको जीरो कर देंगे, तो हमको मिल गया कितना बाइनरी नंबर, 0.01। तो हमको जो आंसर में आ गया 1011010.01, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लेते हैं, ठीक है। हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है, 1011010.01, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। तो ऐसे निकालते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इसको बहुत ही कम आपको समझाने में टाइम लग गया, वरना ये सेकंडों का क्वेश्चन होता है, ठीक है। आप चाहो तो एक पार्ट अगर आपको मालूम होगा दूसरा पार्ट करने की जरूरत ही नहीं होती है, मैक्सिमम आंसर मिल ही जाता है, ठीक है। तो बहुत ही फास्ट से फास्ट करने का आप प्रयास करें, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दे टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दी बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट को याद करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट याद करने पहले बता देता हूँ क्या करना होता है। किसी भी बाइनरी नंबर का पहले हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो हमको बाइनरी नंबर मिलता है उस बाइनरी नंबर में हम +1 ऐड कर देते हैं, क्या हो जाता है हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो संख्या हमारी 1 होती है उसको हम 0 कर देते हैं, जो 0 होती है उसको हम 1 कर देते हैं। ऐसा करने से हमको जो संख्या मिलती है हमारी क्या हो जाती है, वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाती है, ठीक है। तो हमको क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो बाइनरी नंबर दिया हुआ है हमें 1100, 1100, ठीक है, 1100, 1100, +1100, +1100, ठीक है। ये नंबर हमको दिया है, इसका बाइनरी है, इसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट याद करेंगे तो 1 को हम 0 कर देंगे, 0 को 1 कर देंगे, तो हो गया हमारा 0011, ठीक है, 0011। इसके बाद इसमें क्या करते हैं, लास्ट डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं, हमारा क्या हो जाता है टूज कॉम्प्लीमेंट, +1 इसमें ऐड कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 1 में 1 ऐड करते हैं 0, 12 हमारा बन जाता है, फिर 1 में 1 ऐड हुआ 0, 12 हमारा बन गया, ठीक है। बाकी इसको ऐसे लिख लेंगे तो हमको जो टूज कॉम्प्लीमेंट मिला क्या मिल गया, 0011010, ठीक है। ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको हम ऑप्शन देखते हैं, ये हमको ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ देखते हैं नीचे, ठीक है।
तो हमको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 00110100, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं ये, बस आपको तरीके मालूम होना चाहिए। अगर आपको तरीका मालूम है करने का तो आप बहुत फास्ट से फास्ट कर सकते हो, आपके प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइनरी नंबर का डेसिमल समकक्ष है, ठीक है, एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसका डेसिमल लिखना है, इसका डेसिमल कितना होता है, इसको भी दोस्तों कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो हमको बाइनरी नंबर दिया 101010 उसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है 101010, ये लिखने बाद डायरेक्ट लिख देना हमको 1, 2, 4, 8, 16, 32। अब जो 1 है उनको ऐड कर लेते हैं, बाकी को हम छोड़ देते हैं। 32 पे 1 है, 8 पे 1 है, 32, 8, 40 हो गया, फिर 1 है 2 पर, तो 40, 2, 42, 42 की बाइनरी है। एकदम सिंपल सा है दोस्तों, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो 42 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जो कि सही है। तो ऐसे ही करना है, ठीक है, जितना जितना फास्ट आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आपको कहीं आपको 90 मिनट मिलता है, कहीं आपको 120 मिनट मिलता है, इतने में आपको अगर 120 मिनट मिलेगा तो वहाँ 50 क्वेश्चन करना रहेगा, अगर 90 मिनट मिलेगा तो 120 क्वेश्चन करना रहेगा। तो आप जितना फास्ट कर पाओगे उतना ही बेहतर आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 407 ऑक्टल का हेक्सा डेसिमल में वर्णन करना है। ठीक है, ये ऑक्टल में दिया हुआ है, इसका हमको हेक्सा डेसिमल में लिखना है। ठीक है, इसका हेक्सा डेसिमल में करने के लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, पहले इसको हम जो है बाइनरी में चेंज कर लें, बाइनरी में चेंज करने के बाद इसका हम फिर हेक्सा डेसिमल लिख सकते हैं। ठीक है, 407 का हम पहले बाइनरी लिखते हैं। ठीक है, तो 407 ये ऑक्टल में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है कितना, हेक्सा डेसिमल में। ठीक है, ऐसा करने के लिए पहले हम 407 का क्या लिख सकते हैं, इसको बाइनरी में लिख सकते हैं। तो बाइनरी में लिखेंगे तो 4 की बाइनरी कितनी होती है, हम जानते हैं कि अगर ऑक्टल की बाइनरी लिखते हैं तो उसकी ग्रुपिंग हम 3-3 की करते हैं, तो 4 की बाइनरी हो जाएगी 100, 0 की बाइनरी हो जाएगी 0, 0, 0, और 7 बाइनरी हो जाएगी 1, 1, 1। ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा ऑक्टल में आ गया। अब इसको हम हेक्सा डेसिमल में करने के लिए इसकी ग्रुपिंग करते हैं 4 की, तो 4, 4 की ग्रुपिंग कर देंगे, 4A हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद 4A हो गया हमारा। ठीक है, अब इसमें हमें 0 कम पड़ रहा है, 0 बढ़ा लेंगे तो 4 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बाइनरी ग्रुपिंग हो गई, ये हमारा 1 का हो गया, ये हमारा 0 का हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 7 का हो गया। तो 107 हमको मिल गया, कितना, 107। ठीक है, किस में है हमारा 107, ये हमारा हेक्सा डेसिमल में। तो देखते हैं आंसर में दिया है क्या, 107 है, तो 107 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो हमको ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर ऑक्टल में है, ऑक्टल से हमको अगर हेक्सा डेसिमल में चेंज करना है, तो पहले ऑक्टल की हम 3-3 की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमको बाइनरी नंबर मिलेगा उसको हम 4 की ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए ऑक्टल। ठीक है, ऑक्टल से हेक्सा डेसिमल, इसी क्रम में दोस्तों अगर पूछा होता है हेक्सा डेसिमल से ऑक्टल में क्या करते हैं, उसका हम पहले 4 की ग्रुपिंग कर लेते, 4 की ग्रुपिंग मिलने के बाद फिर उसको कितने करते, 3 की ग्रुपिंग करते, 3 की ग्रुपिंग करते तो हमको क्या मिल जाता, ऑक्टल। तो ऐसे हमको करना है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिमल अंक 210 का हमको हेक्सा डेसिमल के बराबर लिखना है। ठीक है, मतलब हमको डेसिमल में दिया हुआ है, इसको हमें हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले हेक्सा डेसिमल को उसको हम बताते हैं आपको, सिंपल सा तरीका करते हैं, कुछ नहीं करते। ये तो जो 210 है, इस 210 को हमको हेक्सा डेसिमल चेंज करना है। जब बेस 16 लाना है तो 16 से भाग देना पड़ेगा, अब 16 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 16, 21, 16, 16, 5, 21, फिर 16, 2, 32 और 16, 3, 48 होता है, 48, 2 कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम 16 भाग देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 13 आएगा, तो 13 को हम क्या लिखते हैं, 13 को हम डी लिखते हैं। ठीक है, 13 को डी लिखते हैं, क्योंकि देखो 10 के लिए क्या होता है, ए होता है, 11 के लिए बी होता है, 12 के लिए सी होता है, 13 के लिए डी होता है। तो हेक्सा डेसिमल में लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है, नीचे से ऊपर कर देंगे, डी टू आ जाएगा हमारा हेक्सा डेसिमल में। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा कोई दिया हुआ है हेक्सा डेसिमल का, तो हम देखते हैं डी टू ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, D2। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 705 इज, ठीक है, ऑक्टल नंबर 705 का बाइनरी समकक्ष है, बाइनरी क्या होगा ये हमको और आपको बताना है। ठीक है, तो क्या करना है, 705 का हमको बाइनरी लिखना है। तो बहुत सिंपल सा है दोस्तों, मैंने बताया था अगर ऑक्टल में है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3-3 के ग्रुप में क्या रख देना है, उसकी बाइनरी रख देनी है। ठीक है, इसको हमें चेंज करना है किस में,
बाइनरी में। जब बेस टू में लाना है तो हम क्या करना है, अगर आक्टल में है तो उसको तीन के ग्रुपिंग में हमको बाइनरी रख देनी। सेवन बाइनरी हम जानते हैं वन वन होता है दोस्तों। यदि आपको बाइनरी नंबर याद है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक हो। जीरो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। फाइव का क्या होगा, वन जीरो वन होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया बाइनरी। तो इसका ऑप्शन नंबर कैसे होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सेवन का, जीरो का और फाइव का, ठीक है। तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं ऑक्टल से बाइनरी, ठीक है। अब इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर डबल वन जीरो डबल वन एंड वन जीरो ट्रिपल वन इज, ठीक है। ये बाइनरी नंबर दिए हुए हैं, इनको हमको ऐड करना है। तो बाइनरी नंबर का एडिशन क्या होता है हम आपको बता देते हैं पहले, ठीक है। एडिशन का रूल क्या है, यदि हम वन में वन ऐड करते हैं क्या होता है, वन और जीरो होता है। तो जीरो हम रखते हैं, वन हमारा क्या जाता है, कैरी जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर जीरो में हम वन ऐड करते हैं तो वन होता है, वन में हम अगर जीरो ऐड करते हैं तो वन होता है, और जीरो में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो जीरो होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी क्रम में देखते हैं उसको कैसे ऐड करना है। तो हमको दिया है डबल जीरो डबल वन जीरो डबल वन, ठीक है, डबल वन जीरो डबल वन। इसके अलावा हमको ऐड में क्या करना है, वन जीरो ट्रिपल वन, वन जीरो ट्रिपल वन, ये हमको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने का सिंपल सा रूल है दोस्तों, मैं बताया था अभी, वन में वन ऐड करते हैं जीरो कैरी जाता है वन, फिर वन वन ऐड किए जीरो, फिर जीरो में वन ऐड किए तो वन, फिर कैरी गया है हमारा वन, फिर वन में जीरो ऐड किए तो वन, फिर वन में वन ऐड किए तो जीरो, फिर कैरी गया हमारा वन, फिर वन में वन ऐड किए तो जीरो, फिर कैरी गया हमारा वन, फिर वन में वन ऐड किए तो जीरो, जीरो वन वन, फिर कैरी हमारा आया था वन। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा डबल वन डबल जीरो वन जीरो, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं। तो अगर आपको अगर ऐड करने में, क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है थोड़ा, लेकिन अगर आपको फास्ट हैं तो आप ऐड कर सकते हो। कैसे मैं बता देता हूँ, पहले आप इसको डेसिमल काउंट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा लंबा रूल हो जाता है दोस्तों, लेकिन आपको अगर टाइम आपके पास बचा है तो वेरीफाई करना है आपका सही है कि नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा, एक दो चार आठ सोलह, तो सोलह आठ चौबीस हो जाएगा, ठीक है। चौबीस दो छब्बीस हो जाएगा, एक सत्ताईस, ऊपर का मान सत्ताईस है, नीचे का मान कितना हुआ है, ये सोलह है, ठीक है। सोलह चार बीस हो गया, बीस दो बाईस एक तेईस हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, सात तीन दस हासिल गए हैं, ये हमको पचास की बाइनरी मिल गई है। अब देख लेते हैं पचास का है कि नहीं, बत्तीस सोलह अड़तालीस दो पचास, सही, ठीक है। ये हमारा बत्तीस का है, ये हमारा सोलह का है, हमारा आठ का है, चार का है, दो का एक है, तो बत्तीस सोलह अड़तालीस दो पचास, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। यदि आप पास टाइम सेज बचता है, अगर आप मतलब कैलकुलेशन की स्पीड आपकी फास्ट है, तो आप ऐसे भी करके चेक कर सकते हो, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी, क्योंकि बत्तीस सोलह अड़तालीस दो पचास जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर टेकिंग वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर, इफ वंस इज एडेड देन रिजल्ट इज, ठीक है। बाइनरी संख्या के वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद यदि परिणाम में वन जोड़ें तो परिणाम होगा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नंबर बिकम्स निगेटिव, संख्या ऋणात्मक हो जाएगी। या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दी ओरिजिनल नंबर मूल संख्या ही रहेगी। या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दी ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या का नवा कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होगा। या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है डी टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ दी ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या का दूसरा कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। इसके पहले भी दोस्तों मैंने बताया था अगर किसी के वन कॉम्प्लीमेंट में अगर हम वन ऐड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा डी टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ दी ओरिजिनल नंबर, ठीक है, मूल संख्या का दूसरा कॉम्प्लीमेंट प्राप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट दी डेसिमल नंबर 151.752 बाइनरी, ठीक है। एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है 151.75, इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, ठीक है। तो हमने इसके पहले भी दोस्तों बताया वही रूल फॉलो करना है, तुरंत आप लोग इसका सॉल्व करें, ठीक है।
सॉल्व करने का तरीका, पहले 0.75 देख लेते हैं। 0.75 का क्या होता है, पहले में 0.5 होता है, दूसरे में 0.25 होता है। इसको ऐड करने से 0.75 मिल जाएगा, मतलब 0.11 आ गया हमारा पॉइंट के बाद का 0.11 किस ऑप्शन में है, सिर्फ दो ऑप्शन में है, बी और सी में, ठीक है। 0.11 इसके बाद देखते हैं 151 का बाइनरी नंबर क्या आएगा। 151 का बाइनरी नंबर निकालते हैं, 151 का बाइनरी नंबर निकालने के लिए वही करना है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इसके आगे जाएंगे तो 128 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा 128, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 151 निकालना है हमें इसी रेंज में, ठीक है, तो 128। अब 128 में अगर हम 64 जोड़ते हैं कितना हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 128 में अगर हम 32 जोड़ते हैं कितना हो जाता है, 132। 32 अगर हम 32 जोड़ें तो 8, 2, 10, ठीक है, 28, 30, 20, 50 ये भी ज़्यादा हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम ऐड करते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, फिर से लिख लेते हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ठीक है। अगर 128 में हम जोड़ देते हैं दो तो हो जाता है हमारा 130 में इसको 131 हो गया, और बच्चा हमको 20 में 16 जोड़ दें और 4 तो हो जाएगा ए, तो हमको बाइनरी मिल गई इतना, ठीक है। 151 की बाइनरी हमको मिल गई कितना, 1001011, ठीक है। देखते हैं किस ऑप्शन में है, 1001011, 1001011, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों याद करते हैं, जो तुरंत आपको लिखना है फट से, जो जो हमको ऐड करने से हमको वो संख्या मिल जा रही है जो हमको ज्ञात करना है, तो उसको हम हाई कर देते हैं, बाकी अदर को हम जीरो कर देते हैं। ये बाइनरी निकालने का तरीका है। इसके अलावा भाग विधि वाला है, तो भाग विधि तो आप सब जानते हैं, ठीक है। तो भाग विधि सिंपल है, आप भाग देते रहिए, टाइम लग जाता है उसमें, एक आध कहीं गलती हो गया, ठीक है, तो फिर से आपको भाग देना पड़ेगा। इसलिए इस रूल का प्रैक्टिस करें आप, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन द डेसिमल नंबर -19 एंड 8-bit 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट इज गिवन बाई, ठीक है। दशमलव संख्या -19 को दिया, एक 8-bit 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है, 8-bit में आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है, -19 का 2's कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों इसको ज्ञात करने का एक सिंपल सा तरीका हमको बताते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका है, ठीक है। -19 को हमको निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट, -19 का 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको ज्ञात करने का तरीका वही है, पहले आपको बाइनरी लिखनी है, 1, 2, 4, 8, 16 और 32, इसी में हमारा 19 आ जा रहा है। तो जो हमारी लास्ट बिट होती है इसे बोलते हैं हम, ठीक है, इस बिट को हमको हाई कर देना है, ठीक है, 32 को हमको हाई कर देना है। अब 32 में से इसे लीडिंग बिट बोलते हैं, ठीक है, तो 32 में से हम 19 घटाते हैं तो कितना आता है हमारा, अगर 32 में से 19 घटाते हैं तो हमारा 12 में से 9 गए 3 और 2 में से 1 गए 1, 13 आता है, ठीक है। अगर हम 32 में से हमको -19 घटाना है तो -19 घटाएंगे तो हमारा 13 आएगा। अब जो 13 आया है, इस 13 का आपको बाइनरी लिख देनी है, ठीक है। इस 13 का हम बाइनरी लिखते हैं तो 8, 4, 12, 1, 13, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, -19 का 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। 101101 ये -19 का 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन दोस्तों कह रहा है हमको कि इसको 8-bit में लिखना है, ठीक है, तो 8-bit में लिखना है तो मैं कितने बिट मिली है अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी हमको सिर्फ 6-bit ही मिली है, 2-bit की कमी है, लेकिन साइन हमारा निगेटिव है, तो निगेटिव साइन को हम डिजिटल में प्रेजेंट करने के लिए 1 का प्रयोग करते हैं, तो 2-1 हम बढ़ा देंगे, ठीक है। जब 2-1 हम बढ़ा देंगे तो बिट हमारी 8 हो जाएगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 1111001, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 1111001, जो कि ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका यही है -19 का 2's कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए 8-bit में, ठीक है। अगर दोस्तों निगेटिव साइन दिया हुआ है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, यही 8-bit में कहा हो, चाहे 12-bit में कहा हो, चाहे 16-bit में कहा हो, कितनी भी बिट में कहा हो, उसमें अगर 1 हम उसके आगे बढ़ा देते हैं तो 1 बढ़ाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है,
इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। EBCDIC स्टैंड फॉर, ठीक है, EBCDIC का पूरा नाम क्या है इसे आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डाटा इंटरचेंज कोड, या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ एक्सपेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, या एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एक्सपेंडेड बाइनरी कोडेड डाटा इंटरचेंज कोड। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जो हमारा EBC, ठीक है, EBCDIC कोड होता है, ये 8-bit कोड होता है। कितने बिट कोड होता है ये पूछा जाता है दोस्तों, EBCDIC कितने बिट का कोड होता है, ये 8-bit का कोड होता है, ठीक है। इसमें एक करेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए हमको 8-bit का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद भी रखना है, कितने बिट का कोड होता है, 8-bit का कोड होता है, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए बाइनरी नंबर द लेफ्ट मोस्ट बिट इज कॉल्ड, ठीक है, कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, बाइनरी नंबर बाईं ओर के बिट को क्या कहा जाता है, ठीक है। मान चलो ऐसी कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है, अब इसमें पूछ रहा है जो लेफ्ट साइड की बिट है इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी राइट साइड की बिट है, फिर राइट साइड बिट को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड बिट को बोलते हैं MSB, MSB मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और राइट साइड को बोलते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपको स्किल टेस्ट के लिए भी ज़रूरी है, एग्जामिनर से लिख सकता है, आपको पूछ सकता है कि इसमें कौन सा LSB है, कौन सा MSB है, ठीक है। तो इस दोनों चीज़ को पहचानने के लिए बहुत ही अच्छा है आपकी जानकारी के लिए। तो कोई भी बाइनरी नंबर दिया होगा तो राइट साइड की जो बिट होगी उसको LSB बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड की बिट होगी उसको MSB बोलेंगे। MSB मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस सिस्टम ऑन विच डिजिटल सिस्टम यूजली ऑपरेट्स इज, ठीक है, वह सिस्टम जिस पर डिजिटल सिस्टम संचालित होता है क्या है, बाइनरी है ऑप्शन नंबर बी है, डेसिमल है ऑप्शन नंबर सी है, ऑक्टल है ऑप्शन नंबर डी है, हेक्साडेसिमल है। तो कौन सा है, वो बाइनरी होता है जिस पे हमारा डिजिटल सिस्टम वर्क करता है। डिजिटल सिस्टम या आप कंप्यूटर भी ले सकते हो, कंप्यूटर क्या जानता है, ओनली 0 और 1 जानता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानता। जितने डिजिटल सिस्टम हैं वो हमें सिर्फ 0 और 1 के रूप में ही जानते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है। हम जितने भी वर्ड बोलते हैं या जितने वर्ड टाइप करते हैं, लिखते हैं, उसकी सारी प्रोग्रामिंग 0 और 1 में ही होती है, ठीक है। तो डिजिटल सिस्टम क्या जानता है, डिजिटल सिस्टम ओनली बाइनरी नंबर को जानता है। तो डिजिटल सिस्टम हमारा ओनली बाइनरी पर ही संचालित होता है, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ASCII इज ए .bit कोड, ठीक है, ASCII कोड कितने बिट का कोड होता है, ASCII मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए आप, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो कितने बिट का कोड होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 7-bit, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 12-bit, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 16-bit, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 32-bit। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7-bit कोड होता है, 7-bit कोड होता है हमारा ASCII कोड। ASCII को हम अल्फा न्यूमेरिक कोड भी बोलते हैं, ठीक है, इसको एक करेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए हमें 7-bit की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसे 7-bit कोड भी कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको अल्फा न्यूमेरिक कोड भी कहा जाता है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑड पैरिटी जनरेटर यूजेड .. लॉजिक, विषम पैरिटी जनरेटर .. लॉजिक का उपयोग करता है, ठीक है, जो हमारा पैरिटी होती है, ऑड पैरिटी, ऑड पैरिटी कौन से जनरेटर का प्रयोग करती है, यगजार, यगजार या सिक्वेंशियल या आर, ठीक है। तो हमारा जो ऑड पैरिटी जनरेटर होता है वो यगजार गेट का प्रयोग करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द ग्रे कोड वर्ड फॉर दी बाइनरी, ठीक है, एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इस बाइनरी नंबर का ग्रे कोड लिखना है। ग्रे कोड क्या होता है दोस्तों, ग्रे कोड के कई नाम होते हैं, ठीक है, वो पूछ लेता है कि साइक्लिक कोड को किस नाम से जानते हैं,
तो साइक्लिक कोड इज ए ग्रे कोड। रिफ्लेक्टेड कोड को किस नाम जानते हैं, रिफ्लेक्टेड कोड इज ए ग्रे कोड, ठीक है। इसके अलावा यूनिट स्टैंड कोड को किस नाम जानते हैं, यूनिट स्टैंड कोड इज ए रिफ्लेक्टेड कोड, ग्रे कोड या साइक्लिक कोड, ये सारे ग्रे कोड के नाम हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसके अदर नाम हैं, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं, इसको हम ज्ञात करते हैं ग्रे कोड में। बाई नंबर दिया 101011, ठीक है, क्या दिया हुआ है 101011, इसको हमको ज्ञात करना है ग्रे कोड में। तो ग्रे कोड में ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, जो हमें डिजिट दी गई है इन डिजिट का हमको यक जार गेट को इनपुट में देते हैं, जो आउटपुट मिलता है उसको हम लिख लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा ग्रे कोड हो जाता है, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए पहली डिजिट को क्या करते हैं, ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद इस वाली डिजिट को हम देते हैं यक जार गेट को। एक जार गेट में क्या होता है, उसको मैंने बताया हूँ इसके पहले भी, एक जार गेट में क्या होता है, सेम इनपुट कमांड जीरो होता है, अगर कोई सेम इनपुट है, ठीक है, तो सेम इनपुट कमांड जीरो हो जाएगा। इसके अलावा अगर डिफरेंट इनपुट मान कितना होता है, वन होता है, ठीक है। तो वन और जीरो हमारी डिफरेंट इनपुट हो गई, इसका मान कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसके अलावा फिर इसको हम बगल वाले इनपुट को लेके हम एक जार गेट को दिए, तो 01 जो कि डिफरेंट इनपुट है, इसका भी मान वन हो गया। इसके अलावा फिर इसके पास में गए, ये भी डिफरेंट इनपुट हो गई, इसका भी मान हमें क्या हो गया, वन हो गया। फिर इसके पास गए, फिर ये भी डिफरेंट इनपुट हो गई, इसका भी मान वन हो गया। लेकिन लास्ट वाली डिजिट देखिए, दोनों सेम इनपुट हो गई, तो सेम इनपुट मान कितना हो गया, जीरो हो गया। तो हमको जो ग्रे कोड मिल गया हमको 5 times 1 उसके बाद जीरो, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है, 5 times 1 उसके बाद जीरो, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये रहा ग्रे कोड ज्ञात करने का तरीका, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर G2B होता, ग्रे टू बाइनरी होता, तो हम क्या करते। ग्रे टू बाइनरी करने के लिए भी एक सिंपल सा रूल है, उसको मैं बता देता हूँ। इसी बाइनरी को हम ले लेते हैं जो कि अभी हम चेंज किए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 5 times 1 0। अब इसको हमको चेंज करना है, ग्रे में दिया हुआ है, ग्रे से हमको चेंज करना है बाइनरी में। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले डिजिट वैसे लिख लेते हैं, पहले डिजिट हमने वैसे लिख लिया। फिर इसमें क्या होता है, इसकी जो हमको फीडबैक, इसको फीडबैक यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमको आउटपुट मिला होता है, उस आउटपुट को हम इनपुट में देते हैं। तो इस आउटपुट को हम ले जाके क्या करते हैं, इनपुट में देते हैं। तो इनपुट में देखिए, ए वाली और ए वाली दोनों क्या हो गई, अब यहाँ जो हमको आउटपुट में दिए, अब दोनों क्या हो गई, सेम इनपुट हो गई। सेम इनपुट मान क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर इसको हमने जाके इसमें दिया, अदर इनपुट हो गया, अदर इनपुट मान वन हो गया। फिर देखिए दोनों सेम हो गया, सेम मान जीरो हो गया। फिर देखिए अदर हो गया, अदर मान वन हो गया। फिर देखिए अदर हो गया, अदर मान वन हो गया। तो 101011 ये हमको बाइनरी मिल गया। ऐसे हम चेंज करते हैं ग्रे टू बाइनरी। तो ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे आपको आना चाहिए, ये आपको UPI Arduino और इसरो में ज़रूर मिलेगा। दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बहुत मेहनत से मैं क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है, और बहुत अच्छी मेहनत करके मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। हमें मेरा प्रयास यही है कि जितने क्वेश्चन हम लेके आएँ, सारे क्वेश्चन हर एक कैंडिडेट को आने चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेहनत हम करते हैं दोस्तों, उतनी मेहनत आप भी करें तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। ओनली 6 months, ठीक है। यदि 6 months आप अच्छे से पढ़ाई कर ली तो ITI की वैकेंसी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट में कैंडिडेट बहुत ही कम होते हैं फिटर और इलेक्ट्रीशियन की अपेक्षा, ठीक है, बहुत ही कम कैंडिडेट हैं। आप UPI Arduino UP का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसमें एज मांगा है 40 ईयर, लेकिन 40 ईयर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे आपको कितने होंगे, 25 से लेके 30 के बीच में ही होंगे जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। तो इस बीच में बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टूडेंट होंगे, ज़्यादा 3 to 5000, ठीक है, 3 to 5000 के बीच में यूपी के वन लेवल लड़के हैं, ठीक है। उसमें CCC मांगा है, इसलिए अदर स्टेट के लोग आएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ CCC होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप सबको बहुत ही बेनिफिट है, 3 to 5000 के बीच में कंपटीशन है। तो इसमें सिर्फ कंपटीशन ओनली 10% में होता है, अगर 5000 का आप 10% निकालेंगे तो सिर्फ 500, ठीक है, 500 के स्टूडेंट के बीच में आपका कंपटीशन है। सीट कितनी है, सीट 46 है, ठीक है, 46 सीट है। 46 सीट को अगर हम डिवाइड कर दें 500 को, तो लगभग आता है एक सीट पे 10 या 11 स्टूडेंट,
एवरेज लिया जाए तो 12 से 10 12 स्टूडेंट आते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 12 कैंडिडेट को पीछे छोड़ना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हमको फॉलो करते रहें, मेरे वीडियो को देखते रहें। एक बार नहीं आता समझ में, आप दोबारा देखें, दोबारा नहीं आता तिबारा देखें, बार बार देखते रहें, आपका सिलेक्शन 100% है, कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा टाइम ले लिया, ये टाइम आपके लिए समझाने के लिए रहा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग दी फॉलोइंग मेंशन कोड विच वन इज कैपेबल ऑफ बोथ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ठीक है। निम्नलिखित कोडों में से कौन सा कोड त्रुटि का पता लगाने और सुधार करने दोनों में सक्षम है, हैमिंग कोड, रिपीटेशन कोड या यूनिकोड, बोथ हैमिंग एंड रिपीटेशन कोड, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, बोथ हैमिंग एंड रिपीटेशन कोड। ये जो कोड जो होता है हमारा एरर और करेक्शन दोनों करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पैरिटी जो होती है दोस्तों, पैरिटी जो होती है ओनली हमको एरर बताती है, ठीक है। क्या बताती है, ओनली हमको एरर बताती है कि किस बिट में एरर है, इतना हमको बता देती है। लेकिन जो हमारा हमिंग कोड होता है, हमिंग कोड क्या करता है, एरर तो बताता ही है, एरर के साथ साथ उसको करेक्शन भी कर देता है, जिस बिट में एरर होती है उसी बिट को करेक्ट भी कर देता है। इसलिए पैरिटी और हमिंग कोड से क्वेश्चन पूछता है। पैरिटी काम क्या है, पैरिटी ओनली हमको एरर बताती है, लेकिन जो हमिंग कोड होता है एरर के साथ साथ हमको करेक्शन भी करके देता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दी स्टैंडर्ड बाइनरी कोड फॉर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर इज, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के लिए स्टैंडर्ड बाइनरी कोड है, एक्सी कोड है, ग्रे कोड है, बीसीडी कोड है या XC3 कोड है। इसके पहले अभी मैंने बताया था दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिक कोड इज ए एक्सी कोड, एक्सी कोड को हम अल्फा न्यूमेरिक कोड भी कहते हैं। तो एक्सी कोड का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इसका फुल फॉर्म, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। ये 7-bit कोड होता है, ये भी मैंने बताया, ठीक है। इसके अलावा ये अल्फा न्यूमेरिक कोड भी होता है, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टा कोडिंग इन्वॉल्व ग्रुपिंग ऑफ बिट्स इज, अष्टा कोडिंग में बिट का समूह शामिल है 3, 4, 5 या 6। इसके पहले मैंने भी कराया क्वेश्चन, क्या होता है 3 की ग्रुपिंग की जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता, देख लीजिए ए लखनऊ मेट्रो में पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, यही आपका JEE का हो, AE का हो या आपका इलेक्ट्रीशियन TG2 हो, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन ITI में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अष्टक की कोडिंग कितना होती है, 3 की ग्रुपिंग है, हेक्साडेसिमल की 4 की ग्रुपिंग में, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट, दी रेडिक्स ऑफ एंड ऑक्टल सिस्टम इज, एक अष्टक प्रणाली का रेडिक्स है, रेडिक्स मतलब होता है दोस्तों बेस, ठीक है। बेस पूछ रहा है ऑक्टल का, हम जानते हैं ऑक्टल बेस कितना होता है 8। इस चीज़ को आपको याद रखना है दोस्तों, अगर किसी चीज़ का बेस दिया हुआ है तो जितना बेस होता है, जो संख्याएं होती हैं उसमें, उस बेस से एक कम होती हैं। तो पूछता है कभी कभी कि ऑक्टल संख्या में संख्याएं कितना होती हैं, तो ऑक्टल संख्या में संख्याएं कितना होंगी, 0 से लेके 7, ठीक है। अगर पूछ लेता कि हेक्साडेसिमल संख्याएं कितना होती हैं, तो 0 से लेके 15, ठीक है। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्टल, हेक्सा, बाइनरी, डेसिमल, डेसिमल संख्या कितना होती हैं 0 से 9, बाइनरी में कितना होती हैं 0 से 7, ठीक है, एक कम। इसके अलावा दोस्तों के लिए आपसे पूछ लिया कि बेस 7 में, ठीक है, बेस 7 में संख्याएं कितना होंगी, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि हमने बेस 7 तो पढ़ा ही नहीं है। लेकिन हमने बताया दोस्तों, अगर बेस 7 की बात करेगा तो उसमें भी संख्याएं बेस से हमेशा एक कम होंगी, 0 से लेके 6 तक होंगी, ठीक है। तो हमारा बेस 7 भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको यही चीज़ को याद रखना है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे कोड ऑफ डेसिमल नंबर 2 इज, डेसिमल नंबर 2 का हमको ग्रे कोड लिखना है, ठीक है। तो इसके पहले इसको पहले हम बाइनरी कोड में लिखते हैं। 2 का बाइनरी क्या होता है दोस्तों, याद होगी आपको, ये मालूम है 0010, ये हमारा क्या हो गया बाइनरी। अब इस बाइनरी को हमको कन्वर्ट करना है क्या ग्रे में, तो हमने बताया था अभी वही प्रक्रिया बना लेनी है, 1 सेम इनपुट कमान, 1 अदर इनपुट कमान, 0 अदर इनपुट कमान, 0 सेम इनपुट कमान, 0 अदर इनपुट कमान 1, सॉरी दोस्तों, सेम कमान हो गया 0, अदर कमान हो गया 1, तो 1011, ठीक है। तो 1011 कहाँ मिल गया, 1011 ए किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, फिर से इसको चेक कर लेते हैं, 0011 1 हो गया, सेम इनपुट, सॉरी दोस्तों 1 नहीं होगा क्योंकि ये 0 है तो 0 ही होगा, ठीक है, ये 0 हुआ। इसके अलावा फिर सेम इनपुट मान हो गया, सेम इनपुट मान 0, अदर इनपुट मान 1, ठीक है, ये हो गया हमारा अदर, अदर मान 1 हो गया।
फिर हो गया हमारा सेम कमांड। सॉरी दोस्तों, गलती हो रहा है, जल्दबाजी में गलती हो रही है, टाइम ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसीलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है इसलिए जल्दबाजी में गलती हो जा रहा है। तो बाइनरी जो होता है, टू की बाइनरी होती है वो 0010 होती है, ठीक है। ये हमारी टू की बाइनरी है, इसको हमको चेंज करना है ग्रे कोड में। तो हमारा हो गया 0। अब हो गया सेम इनपुट मान होता है 0, अदर इनपुट मान होता है 1 XOR गेट में। फिर इसको देखिए, ये हो गया अदर इनपुट मान हो गया 1, फिर हो गया ये अदर इनपुट मान हो गया 1। तो 0011 मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक कल क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो क्या था, इन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस इज, ठीक है, उच्चतम आउटपुट प्रतिरोध उत्पादित करने वाला ट्रांजिस्टर विन्यास है। ऑप्शन नंबर ए में दिया था सीसी, ऑप्शन नंबर बी में दिया था सीबी, ऑप्शन नंबर सी में दिया था सीई, या ऑप्शन नंबर डी में दिया था नाना दे, जिनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीबी। ये होता कैसे इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है, कह रहा है कि सीबी, तो हम बेस को हम कॉमन करते हैं। जब बेस को हम कॉमन किए, ठीक है, ये हो गया हमारा बेस, हम बेस को कॉमन कर दिए, ये हो गया हमारा एमीटर, ये हो गया हमारा कलेक्टर, ठीक है। तो कलेक्टर हमारा क्या आ गया, इनपुट में, बेस हमारा एमीटर चला गया, हमारा क्या, एमीटर चला गया हमारा आउटपुट में। तो हमने बताया था ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन पाए जाते हैं, ठीक है, ये हमारा बेस है जो कि ग्राउंड होता है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर हमारा है, ठीक है, ये हमारा एमीटर है, ये हमारा कलेक्टर है और ये हमारा बेस है। तो इसमें जो वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, बेस बी सी बी, आउटपुट वोल्टेज जो होगा हमारा बी ए बी, ठीक है। बेस एमीटर वोल्टेज हमारा आउटपुट होगा और बेस कलेक्टर वोल्टेज हमारा क्या होगा, इनपुट होगा। तो इसमें जंक्शन, दो जंक्शन पाए जाते हैं, एक कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन को हम जे सी कहते हैं, और मीटर बेस जंक्शन को हम जे ई कहते हैं। तो हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होता है, तो ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव मोड में होता है तो एज ए एम्पलीफायर वर्क करता है। तो एम्पलीफायर में जो करता है, जे ई हमारा होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, और हमारा जो जे सी जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस में होता है। तो हमने बताया था, अगर जंक्शन हमारा जे सी रिवर्स बायस में होता है, तो कोई चीज़ अगर रिवर्स बायस में, तो उसका जो इम्पीडेंस होता है वो बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा और लो हो जाएगा। दोस्तों सर्किट थोड़ा उल्टा बन गई है, ये हमारा जे सी हो जाएगा और हमारा जे ई हो जाएगा, ठीक है। जब हम ट्रांजिस्टर को इसे उल्टा करेंगे तो हमारा इधर जे ई आ जाएगा, इधर जे सी आ जाएगा। तो इनपुट साइड में हमारा जे ई रहेगा, आउटपुट साइड हमारा जे सी रहेगा, एक बार फिर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे, ये हमारा जे ई हो जाएगा, ये हमारा जे सी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इनपुट इम्पीडेंस हमारा लो हो जाएगा और आउटपुट इम्पीडेंस हमारा हाई हो जाएगा इसी कारण से, ठीक है, क्योंकि हमारा जो जे सी होता है वो रिवर्स बायस में होता है और जो जे ई होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है। जो चीज़ फॉरवर्ड बायस में होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जो जंक्शन रिवर्स बायस में होगा उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। तो ऐसे हम ज्ञात करते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, आज का काफ़ी लोगों ने इसका आंसर दोस्तों सही दिया था, जैसे समीर कुमार सैनी है एक स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा लिखते हैं वो, ठीक है। उनको जितना जानकारी होता है उसको इस कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। तो ऐसे पटेल है, एसबी पटेल है, हेमंत वर्मा है, ठीक है, काफ़ी लोग हैं, कपिल कुमार हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में आंसर दे रहे हैं। तो हम जितने स्टूडेंट देखते हैं सभी में कहेंगे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। तो आज का क्वेश्चन क्या है, आपको जल्दी से दिखा देते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कैन बी यूज इन इनहेंस मोड, ठीक है। इनहेंस मोड में कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए में मॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी में यूजेटी, ऑप्शन नंबर सी में जेफेट, ऑप्शन नंबर डी में है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे, हम आशा करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप सबको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हम वीडियो अपलोड करें तो आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।